इंक्लाइन। इसका जो स्लोप एंगल है वो 23 डिग्री है। बड़ा ही आइडियल स्लोप होता ही है, और इसमें हम पैदल आसानी के साथ आ जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी होती है। इसका ज़रा साइज़ चेक करें और सपोर्टिंग चेक करें। रेल ट्रैक, इसकी डायरेक्शन, यानी अगर आप माइन माउथ पे खड़े होंगे तो आपको एंड पॉइंट नज़र आएगा। इस तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए माइन की। और ये मैन होल इंक्लाइन में हर 100 फीट के बाद ये बनाया जाता है, ताकि जब इस ट्रैक के ऊपर छकड़ा गुजरे तो इस रास्ते में अगर कोई आदमी आ रहा है या जा रहा है तो वो इस सेफ साइड पे खड़ा हो जाए जब तक वो छकड़ा बाहर ना निकल जाए। स्टील सपोर्टिंग डिस्टेंस आर इन के साथ। और ये जहाँ पे छत में कोई गैप रह जाए तो उसको इस तरह की वुडन चॉक्स के साथ कवर किया जाता है। माइन के अंदर जिस टाइप की भी सपोर्ट लगे उसको छत के साथ टाइट करना ज़रूरी होता है। फर्श पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और इस वक्त मेरे हाथ में कोई माइन स्टिक वगैरह भी नहीं है, और मैं बहुत आसानी के साथ नीचे जा रहा हूँ। सौ फिट के बाद ये मैं एक पॉइंट पे पहुंच आया हूँ। यहाँ से हमने इस माइन को फिर हॉरिजेंटली शॉफ्ट के साथ मिला दिया है, इस तरफ 410 फिट के बाद। और ये टर्न टेबल, कि जब हमने छकड़े को, माइन टब को मोड़ना हो, ये रेल ट्रैक है, छकड़े इस तरफ आ रहा है और इसके ऊपर हम छकड़े को शिफ्ट करते हैं और इसको रोटेट करते हैं। इफ्तिखार ज़रा इसको घुमाएं, टर्न टेबल को।